Hello everyone, I think ab dikh raha hoga and this is my new setup and I create for YouTube video. Negative result के लिए मैंने बनाया था और ये आगे की YouTube की चलने के लिए भी मेरे चलने वाला है. मेरे वीडियो में क्वालिटी चीजें अच्छी हों. I try. This is my mic. न्यू माइक मेरा पुराना वाला खराब हो गया तो मैं अभी नया लिया नहीं है. बट पता नहीं क्यों ये मेरे फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा यार. पता नहीं क्या चक्कर है. मैंने बहुत कोशिश की, वर्क ही नहीं कर रहा. तो अभी आप मेरे फ़ोन के माइक से ही काम चला लेना और हो सकता है इसकी वजह थोड़ी मेरी वॉइस ब्रेक हो और जो बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट आ रहा है गाड़ियों का, पता नहीं किस किसी से ऊपर आर में रोड है यार, तो गाड़ी वगैरह चलती रहती है, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होगी. बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो पाएगी, डोंट माइंड. बट हाँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, पहली चीज़ देखिए, मैं इंटर में तो पहुंच चुका हूँ और आई थिंक ये हमारा शायद ही मेरी पहली वीडियो जिसमें मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है. हाँ, हमेशा मैं भूत बन के मास्क पहन के आया हूँ, नथिंग. मेरे जो भाई हैं मुझे ट्वेल्थ में, मुझे उन्होंने ट्वेल्थ तक पढ़ाया, मैंने शायद बताया भी है एक दो वीडियो में, तो वो मुझसे एक बात कहते थे कि तुम जो स्टूडेंट्स हो ना, वो तुम हो एक पैरेट की तरह हो. पैरेट समझ गए ना, तोता. तो पैरेट की तरह हो और तोते की एक आदत होती है, वो ना खाता कम है और इकट्ठा ज़्यादा करता है, कलेक्ट ज़्यादा करता है. सेम सिचुएशन तुम स्टूडेंट के साथ भी आती है. तुम जो होता है ना, जो मटेरियल तुम्हारे पास होता है, तुम वो तो पढ़ते नहीं हो और चीज़ों को कलेक्ट करने में लग जाते हो. अब ये आदत तो नॉर्मल हर बंदे में होती है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए बेटर क्या होगा और ईजी वे कौन सा होगा. उन चीज़ों को हम ढूंढते रहते हैं. आसान तरीके, अपनी स्टडी को आसान करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए. वो मटेरियल को हम ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं से. तो मैंने भी ऐसा बहुत किया फाउंडेशन में. एक साल मेरी जर्नी चली है, तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता था. अब वो सारा मटेरियल मेरे पास पड़ा था, तो मैं फ़ोन चेक कर रहा, मैंने कहा यार क्या करूँ. सो मैंने सोचा मैंने डिलीट करने से बेहतर है इस चीज़ को मैं शेयर कर देता हूँ. मैंने टेलीग्राम पे वैसे कल शेयर मैंने कर दिया जितना भी था, और भी बहुत कुछ था, पता नहीं कहाँ गया, डिलीट हो गया. हाँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने कलेक्ट की थी, वो ये थी कि हमारा जो मैथ्स का सॉल्यूशंस नहीं थे. मैथ्स में हमारी बुक में मटेरियल में आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो जो जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ टफ होते हैं जिनके हमें सॉल्यूशन देखने होते हैं, यार ये कैसे सॉल्व हो रहा है. तो ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आता था, तो उस चीज़ के मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था. बल्कि मैंने एक रजिस्टर भी मेंटेन किया था इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी मैथ्स के सारे जो सीक्वेंस में मतलब मेरे चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज है मैथ्स में, वो उनको क्या करूँ कि अपने नोट्स बना के रखूँ सॉल्यूशन समेत. और है मेरे पास अच्छी खासी रजिस्टर्ड है यार, पता नहीं कहाँ गया शायद मैथ्स, लेकिन ये एक लौता रजिस्टर नहीं है. मैं तो भाई मैथ्स में मैं 5 से 7 रजिस्टर भर चुका हूँ, क्योंकि मैंने मटेरियल को काफ़ी बार सॉल्व किया है और स्कैनर को भी बहुत किया है मैंने. बट पता नहीं यार इधर आते हो गए, बाद में मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है. लेकिन वो मैंने वीडियो में मतलब टेलीग्राम पे ही सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, आप जाके देख लेना. तो उसमें सारे चैप्टर तो नहीं है मैथ्स के, कुछ हैं, कुछ जो मतलब ज़रूरी है जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 से मेरे हिसाब से वहाँ से थोड़ा टफ रहता है, वहाँ पे हम सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. 1 और 2 ये तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन शायद 2 के भी हैं जहाँ तक मुझे याद है, या थे मेरे पास सारे, पता नहीं कहाँ चले गए, डिलीट हो गए फिलहाल. और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लॉ के नोट्स हैं, कुछ लॉ वैसे तो मैंने सीक्वेंस में पहले ही मैंने खुद ने भी किए हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा बाद में मुझे मिली थी. अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा मुझे कहाँ से मिली थी, आप जाके देख लेना, अपने दोस्तों से शेयर कर दूँ इस वजह से मैंने कर दिए. बट ना कि उसमें आपके लॉ है, लॉ से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज या कुछ क्वेश्चन है जो उसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उसके आंसर्स भी दे रखे हैं, जिससे आप जो है ना प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं. सो आप देख लेना उसको, उसमें टेलीग्राम में मैंने बकायदा नाम के साथ लिख दिया है. और भी बार बहुत था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट जो भी है ठीक है. ये वीडियो बस इसी पर्पज़ के लिए मैंने बनाई थी, और बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा. बट मैं थोड़ा चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, परेशानी में हूँ, कुछ मेरे पर्सनल इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं
गैप में चल रहा हूँ स्टडी में, पता नहीं मेरी स्टडी कब स्टार्ट होगी, बट थोड़ी बहुत माइनर से स्टडी में कर रहा हूँ, वो भी यूँ कि मैं पढ़ना रहना भूल जाऊँ, क्योंकि पढ़ना रहना पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैंने पढ़ाई में गैप किया वहाँ फिर दिल्ली ज़्यादा पढ़ने का, वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिटेन रहे मेरे डेली रूटीन में, सो बेहतर रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज आपके तो एग्ज़ाम है नवंबर 2022 में, और जिनके नहीं है भाई प्रिपरेशन करें नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए।